महाराष्ट्र प्रांत के जनपद ठाणे में 10 सितंबर 2012 को राजमूल दुखू शेख उम्र 25 वर्ष की हत्या कर सनसनी फैलाने वाले 8 वर्षों से फरार अपराधी इनामुल हक पुत्र इयाद अली को गोरखपुर एसटीएफ ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र के जनपद ठाणे के थाना कोपारी क्षेत्र के अंतर्गत रूम नंबर 13 मस्तान नगर तिलक रोड कोपारी ठाणे पूर्व में 10 सितंबर 2012 में ताजमूल सुखू शेख की हत्या कर सनसनी फैलाने वाले अपराधी इनामुल हक पुत्र इयाद अली को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। एसटीएफ गोरखपुर ने इनामुल हक का रेलवे स्टेशन जंक्शन गेट नंबर 1 से शुक्रवार को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश एसटीएफ द्वारा दुर्दांत अपराधियों एवं पुरस्कार घोषित अपराधियों की विधि अधिसूचना संकलन की कार्रवाई की जा रही है, जिसके क्रम में एसटीएफ फील्ड इकाई गोरखपुर की टीम को दिनांक 10 सितंबर 2012 को महाराष्ट्र के जनपद थाने के थाना क्षेत्र के अंतर्गत मस्तान नगर तिलक रोड के ताजमूल सुक्खू की हत्या कर सनसनी फैलाने वाले अपराधी इनामुल पुत्र इयाद अली शेख के जनपद गोरखपुर में लुक छुप कर रहने की सूचना प्राप्त हो रही थी। इस संबंध में पुलिस उपाधीक्षक धर्मेश शाही के निर्देशन में एसटीएफ फील्ड इकाई गोरखपुर द्वारा अधिसूचना संकलन कर कार्रवाई की गई। इसके संबंध में शुक्रवार को मुखबिर ने एसटीएफ के गोरखपुर कार्यालय आकर सूचना दिया कि अपराधी नामुल्ला के रेलवे स्टेशन गोरखपुर रेलवे के पास मौजूद है और कहीं जाने के फिराक में है। सूचना पर विश्वास कर निरीक्षक सत्य प्रकाश सिंह, उप निरीक्षक सूरजनाथ सिंह, उप निरीक्षक आलोक राय, कांस्टेबल इमरान खान सहित क्राइम ब्रांच की टीम ने मुजरिम को रेलवे स्टेशन के पास गिरफ्तार कर महाराष्ट्र सरकार के समक्ष पेश करने हेतु ट्रांजिट रिमांड प्राप्त कर अग्रिम कार्रवाई हेतु महाराष्ट्र क्राइम ब्रांच यूनिट प्रथम को सुपुर्द कर दिया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई क्राइम ब्रांच यूनिट प्रथम थाने महाराष्ट्र द्वारा की जा रही है।